हेलो एवरीवन। तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे, अभी चारों तरफ कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन की कंडीशंस हैं, जिस वजह से हम लोग अपने घर में रहने के लिए मजबूर हैं और फिलहाल कर भी कह सकते हैं। लेकिन अभी यह जरूरी भी है हम लोगों के लिए, हम सब लोगों की भलाई के लिए ऐसा करना अभी फिलहाल बहुत जरूरी भी है। एंड आई होप आप सभी लोग इस चीज़ को फॉलो भी कर रहे होंगे, गवर्नमेंट के जितने भी डायरेक्शंस हैं, इनिशिएटिव्स हैं, उसको सीरियसली ले रहे होंगे और घर में अपने सारे फैमिली मेंबर्स के साथ हेल्दी होंगे। तो क्योंकि ये लॉकडाउन की स्थिति है, तो ऐसे में स्टूडेंट्स के लिए ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि वो घर पे बैठ के अपने बेसिक कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करें, जिनके बहुत अच्छे नहीं हैं वो उनको ठीक करें। तो मैं यहाँ पे इस चैनल के थ्रू आप सभी लोगों के बेसिक कॉन्सेप्ट्स पे बात करूँगा, मैथ्स और साइंस के, ताकि आप लोगों के जिन कॉन्सेप्ट अच्छे हो सकें, जिनके अच्छे हैं वो रिवाइज कर सकें और आपका जो लर्निंग प्रोसेस है वो भी एनहेंस हो सके। इन चीज़ों के ऊपर बात करने से पहले मैं चाहूँगा कि हम लोग पहले ये डिस्कस करें कि मैथ्स और साइंस होता क्या है। तो आज सबसे पहले हम बात करेंगे कि साइंस है क्या चीज़, साइंस हम किसको बोलते हैं, ठीक है। तो साइंस बेसिकली एक वो सब्जेक्ट है जो हमारे नेचर में कोई भी चीज़ प्रेजेंट है या होती है, उसके पीछे के दो बेसिक क्वेश्चंस का जो जवाब दे पाता है सब्जेक्ट, वो साइंस है। और वो दो बेसिक क्वेश्चंस हैं, क्यों और कैसे, व्हाई एंड हाउ। तो किसी भी चीज के पीछे का व्हाई एंड हाउ जो सब्जेक्ट हमें पता करवाने में हेल्प करता है, वो ही सब्जेक्ट साइंस कहलाता है, ठीक। या ऐसा कह सकते हैं दूसरे टर्म्स में कि जो सब्जेक्ट हमें किसी भी चीज के पीछे का ट्रुथ जानने में हेल्प करवाता है वो साइंस। जो नॉलेज हमें इसके थ्रू मिलता है वो उसको हम वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है। मतलब हम बार 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 अगर चीजें करें तो हमें बार बार वही रिजल्ट मिलेगा। तो ऐसे चीजें प्रोवाइड करवाने वाला जो सब्जेक्ट है वो साइंस कहलाता है। तो दूसरे टर्म्स में मैं इसको ऐसे भी कह सकता हूं कि एक ऐसा सब्जेक्ट जो हमें चीजें दिखती हैं नेचर में और जो उसके पीछे की रियलिटी है, इन दोनों को कनेक्ट करवाने में जो मिसिंग लिंक है उसको हम साइंस बोलते हैं, ठीक। तो साइंस वो चीज है जो चीजें हमें दिख रही हैं और जो उसके पीछे के होने के कारण है, इन दोनों को जो कनेक्ट कर पा रहा है वो सब्जेक्ट साइंस है, ठीक। इसके थ्रू जो भी हमें नॉलेज मिलता है या जो भी फैक्ट्स होते हैं, डेटा होता है, वो सब वेरीफाई कर सकते हैं हम उसको हम वेरीफाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हमने जो रिजल्ट्स या कंक्लूजन्स निकाले हैं वो चेंज हो जाएंगे, जब तक कंडीशन सेम रहेंगी वो रिजल्ट्स और कंक्लूजन्स हमारे सेम रहेंगे और वो हर बार वेरीफाई होते रहेंगे, वो चेंज नहीं होंगे। तो ऐसा सब्जेक्ट साइंस कहलाता है। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बात करूं तो मैं अगर एक बॉल को यहां पे ऊपर फेंकता हूं, ठीक, और मैं उसको जाके दिल्ली में ऊपर फेंकता हूं, या मैं उसको कन्याकुमारी जाके ऊपर फेंकता हूं ऊपर की डायरेक्शन में, तो वो हर जगह क्या होगा, हर कंडीशन में वापस से नीचे को ही आएगी, ठीक है। तो ये जो है, जो सिचुएशन की वजह से नहीं बदलने वाला है जब तक कंडीशन सेम है, क्योंकि अर्थ पे अगर मैं उस बॉल को कहीं पे भी ऊपर फेंकूंगा वो वापस नीचे ही आएगी। तो इसके पीछे जो है, जो कारण है, वो जो एक्सप्लेन करता है उस कारण को, वही साइंस है। उस फेनोमिना को या उसके होने के कारण को जो एक्सप्लेन कर पा रहा है वो साइंस है। एक और एग्जाम्पल ले, जैसे रेनबो है, तो रेनबो जो हमें दिखता है वो कितना अच्छा लगता है कि हाँ ये रेनबो दिखाई दे रहा है, लेकिन उसके पीछे के जो कारण है, जो
उस चीज को समझा पाता है हमें कि ये क्यों हुआ और ये किस कंडीशन में होगा, कब ये हमें दिखाई देगा, तो वही चीज साइंस कहलाती। ठीक, अब जो साइंस है बेसिकली वो, अब क्योंकि मैंने बात करी कि साइंस जो होती है वो नेचर में जितनी भी चीजें हैं उससे रिलेटेड है, जो कुछ हो रहा है हमारे आसपास उसके पीछे के कारणों को जो समझा पा रहा है उसको हम साइंस कह रहे हैं। उसके दो जो बेसिक क्वेश्चंस हैं, व्हाई एंड हाउ वाला, उसका जो जवाब दे रहा है। अब नेचर में होती दो तरह की चीजें, या तो चीजें लिविंग चीजें होती हैं या फिर नॉन लिविंग होती हैं। ठीक, तो अब साइंस में जो लिविंग चीजें होती हैं उसको हम बायोलॉजिकल साइंस में पढ़ते हैं, जो नॉन लिविंग होती है उसको हम फिजिकल साइंस में पढ़ते हैं। अब बायोलॉजिकल साइंस भी दो कैटेगरी में डिवाइडेड होता है, एनिमल किंगडम में और एक प्लांट किंगडम में। ठीक है, अब एनिमल किंगडम और प्लांट किंगडम, इसके दो ब्रांचेज हो गई जिसको हम डिटेल में, एक में एनिमल्स के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, एनिमल से रिलेटेड जितनी भी स्पीसीज हैं उसके बारे में पढ़ते हैं उसमें, और दूसरी में प्लांट किंगडम में जितने भी प्लांट्स हैं उनके बारे में हम उसमें डिटेल में पढ़ते हैं। ठीक, तो दूसरा हो गया फिजिकल साइंस, दूसरा जो ब्रांच है इसका, उसमें भी दो सब ब्रांचेज होती हैं, एक होता है फिजिक्स। तो फिजिक्स में हम जितने भी नेचर में फिनोमिना है, जितने भी फिनोमिना हो रहे, नेचुरल फिनोमिना हो रहे, जैसे अभी रेनबो का ही हमने एग्जांपल लिया था, तो इन चीज़ों के ऊपर पढ़ते हैं कि ये चीज़ें कैसे हो रही हैं, क्यों हो रही हैं, इनके पीछे की कंडीशंस, रीजनिंग, क्या लॉज इन्हें गवर्न कर रहे हैं। ठीक, तो वो सब हम पढ़ते हैं फिजिक्स में। फिर इसका दूसरा जो सब ब्रांच है वो है केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री में हम लोग नॉन लिविंग थिंग जितनी भी हैं उनके इंटीरियर के बारे में पढ़ते हैं, उनके अंदर के स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ते हैं, वो किन चीज़ों से बने हुए हैं, उनका जो स्ट्रक्चर है वो वैसा क्यों है, कोई बहुत हार्ड है कोई चीज़ तो क्यों है, सॉफ्ट है तो क्यों है, वो किसी स्पेशल कंडीशन में या किसी पर्टिकुलर कंडीशन में दूसरी चीज़ के साथ कैसे रिएक्ट करेगी। ठीक है, और जितने भी फैक्टर्स हैं वो उनको कैसे इफेक्ट करेंगे, जैसे टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, इन चीज़ों का उस पर क्या फ़र्क पड़ने वाला है, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं और वो किन चीज़ों के साथ या कैसी कंडीशंस में वो प्रॉपर्टीज़ चेंज होंगी, तो ये सब हम पढ़ते हैं केमिस्ट्री में। ठीक, तो साइंस के ये सब ब्रांचेज हैं जो जिनमें हम ये डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें पढ़ते हैं। तो हम बात करते हैं साइंस पढ़ना हमारे लिए ज़रूरी क्यों है। तो एक तो हमारे लिए ज़रूरी इसलिए है ताकि हम अपने नेचर और हमारे नेचर में जितनी भी चीज़ें हो रही हैं उनको और अच्छे से समझ पाएं। ठीक है, और दूसरा इसलिए कि हमारा जो है लाइफ के टूवर्ड्स जो है साइंटिफिक एटीट्यूड होगा। ठीक है, साइंटिफिक एटीट्यूड होगा, साथ में मतलब हम चीज़ों को ऐसे ही बिलीव नहीं करेंगे, चीज़ों के पीछे हम सोचेंगे कि अच्छा ये चीज़ ऐसे क्यों हो रही है, हमारा परसेप्शन बढ़ेगा, हम ब्रॉड माइंडेड होंगे, चीज़ों को हम छोटे लेवल पे नहीं देख रहे होंगे, चीज़ों को हम बड़े लेवल पे चीज़ों को देख रहे होंगे। ठीक है, उसके हर डायमेंशन को हम देखने की कोशिश कर पा रहे होंगे। अगर हम वर्ल्ड को चेंज करना चाहते हैं किसी भी टाइप से, जैसे कोई चाहता हो कि मैं कोई नया गैजेट बनाऊं, या मैं कोई नई टाइप की बिल्डिंग बनाऊं, या कुछ नया करूं, इन्वेंशन करूं, ठीक है, कोई नई डिस्कवरी करूं, इनोवेशन करूं, तो वो सब पॉसिबल है साइंस के थ्रू। ठीक है, और एक अच्छा कैरियर चाहिए लाइफ में तो साइंस वो अपॉर्चुनिटी भी प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, आप मैनकाइंड को हेल्प करना चाहते हैं एज अ डॉक्टर, एज अ साइंटिस्ट, जो भी, तो वो भी साइंस फील्ड या साइंस एज अ सब्जेक्ट आपको हेल्प करवाएगा लाइफ में। ठीक, साथ में ये सब तो होगा होगा, लेकिन साथ में कोई भी सब्जेक्ट और पर्टिकुलरली साइंस की बात कर रहे हैं अभी, तो साइंस हमें लाइफ के प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स के बारे में, उनको कैसे अपनी पर्सनल लाइफ में भी और प्रैक्टिकल लाइफ में भी चीज़ों को कैसे हैंडल करना है उसके लिए हमें मेंटली प्रिपेयर करते हैं। ठीक, हम जितने भी चीज़ें पढ़ते हैं, जितने भी उसमें कॉम्प्लिकेशंस देखते हैं, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, उसके लिए एफर्ट्स डालते हैं, ठीक है, डेटा को एनालाइज करते हैं, तो ये सब चीज़ें हमारी लाइफ में भी बाद में काम आती हैं, ताकि हम जितने भी हमारे लाइफ में, पर्सनल लाइफ या प्रोफेशनल लाइफ में जितने भी
प्रॉब्लम्स आएंगी उनको हम साइंटिफिक वे में देख पाएं, लॉजिकली देख पाएं चीज़ों को, और उनको उस तरह से हैंडल करने की कोशिश करें। ठीक, तो आई होप आज आपको समझ में आया होगा कि साइंस क्या है और इसको पढ़ना ज़रूरी क्यों है। ठीक, तो हम आगे भी जो वीडियोस आएंगी उसमें ऐसे ही एजुकेटिव चीज़ों के बारे में, ठीक है, जो आपको हेल्प करे उसके बारे में बात करते रहेंगे। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।